हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नई क्लास की शुरुआत, जो है लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव की सीरीज। और इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जीके यानी कि जो जीएस वाला टॉपिक रहता है, आप लोगों के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम दें या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर जो जीएस है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन इकोनॉमी की या फिर ज्योग्राफी की, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ा है, तो उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। और जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बारे में पहले से ही अगर पता होगा, तो आप लोग अच्छा स्कोर है जो कि अपने किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैंने लूसेंट जी की ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसमें आज हम पहली क्लास में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। और इसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, हम लोग हर एक टॉपिक को देखेंगे इंडियन पॉलिटी का, और उनके क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास को मैंने महत्वाकांक्षी बैच के नाम से समर्पित किया है आप लोगों को। महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है कुछ बड़ा करने की चाह। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा है और आप लोग गवर्नमेंट जॉब में सलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करने की सोची है, ये आप लोगों की एक चाहत है। तो यही लोग हैं जो कि महत्वाकांक्षी कहे जाते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, हर हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ नया करने की। तो इसलिए मैं इस शब्द को आप लोगों को समर्पित करना चाहूँगा, और इसी सीरीज को हम आगे को बढ़ाएंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ क्लास इंडियन पॉलिटी की आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं, उसके बाद कुछ क्लास इंडियन हिस्ट्री की, फिर इंडियन ज्योग्राफी की, फिर इंडियन इकोनॉमी की। इस तरीके से हम लोग एक जो सीरीज है उसको आगे को बढ़ाएंगे और हर एक टॉपिक को हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें और अपना सिलेक्शन लें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो JR क्लासेस करके आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं मिल जाऊंगा, और आप लोग यहां पर कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां पर से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज़ को आज शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा देरी न करते हुए इस क्लास का इंट्रो मैंने आप लोगों को दे दिया कि किस तरीके से हम आगे को बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से है जो कि हम इसका फ़ायदा अपने एग्जाम में ले सकते हैं। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन करके अब हम डिस्कस करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास की। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो दोस्तों, BR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता के रूप में जाना जाता है। और ये कब हुआ था, ये डेट भी आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसकी डेट है 24 या फिर 25 सितंबर। 24, 25 सितंबर, दोनों में से आप लोगों को जो भी ऑप्शन में दिखेगा आप लोग उसको टिक कर लेंगे। 24, 25 सितंबर 1932 में ये समझौता हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यरवदा जेल में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। और इस बात में क्या प्रावधान था, इस समझौते में क्या प्रावधान था, उसको आप लोगों को बताना है। तो इस समझौते में यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, और इसमें जो दलित वर्ग है उनके लिए प्रांतों में 148 सीटों का प्रावधान यहाँ पर किया गया था, उनके लिए आरक्षित ये सीटें की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक प्रश्न यहाँ से एक और बन जाता है कि ये जो समझौता है किसकी मध्यस्थता से यहाँ पर संपन्न हुआ, तो मदन मोहन मालवीय, MMM, तो मदन मोहन मालवीय है जो कि इस समझौते की अध्यक्षता करते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो
तो आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भारत सरकार अधिनियम 1858 का था, 1858। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी अभी तक, अब उसका जो शासन है वो कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगी, महारानी एलिजाबेथ करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इस समय भारत के जो वायसराय थे या फिर गवर्नर जनरल कहेंगे जिनको, वो कौन थे, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और लॉर्ड कैनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम है 1858 का, उसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको भारत का वायसराय का नाम दिया गया, इसलिए जो भारत का पहला वायसराय होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आएगा, तो ये एक पीक आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में अब हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई, तो ये की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगर दोस्तों हम अध्यादेश की बात करेंगे तो वर्तमान में भी दो लोग ऐसे हैं जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एक है भारत के राष्ट्रपति और दूसरे हैं राज्यों के राज्यपाल। ये लोग भी क्या कर सकते हैं, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं और राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करेंगे, और ये संविधान में अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। और अगर हम राज्यपाल की बात करेंगे तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करते हैं, तो आप लोग इस बात को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया। तो ये जो बात है, ये बात यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव है, और ये अगस्त प्रस्ताव आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। तो ये 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो के द्वारा जारी किया गया था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव की, तो ये 1942 में आता है। और अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो ये 1946 में आता है। तो आप लोगों से इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रस्ताव या फिर कौन सा घटनाक्रम है पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, तो आप लोगों को इनका ईयर भी याद होना चाहिए, तो आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान देना। अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, और इस समय जो भारत के बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और उनके द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि पारित किया गया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में यहाँ पर क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और उस सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम आप लोगों से पूछा जाता है तो एलिजा एम्पे आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और छठा प्रश्न आप लोगों के सामने है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अपनी समिति के निर्णय को
अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति कब सामग्री कब नियुक्त किया गया, यानी कि इनको भारत की क्वीन कब नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये 1858 का जो एक्ट आया था उस के बाद यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को भारत की क्वीन नियुक्त किया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक प्रश्न महारानी विक्टोरिया से और पूछा जाता है कि इनको केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई, तो 1877 में। 1877 में भारत में दिल्ली दरबार लगता है, उस दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से महारानी विक्टोरिया से है आप लोगों के लिए, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्नलिखित आश्वासनों में ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था, तो इसमें ब्रिटिश शासक के द्वारा कौन सा आश्वासन है जो कि पूरा किया गया था, तो आठवें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये बात यहाँ पर 1858 के अधिनियम में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आता है, 1909 में इसको हम अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये जो मार्ले है और मिंटो है ये भारत में क्या है, मिंटो तो भारत में वॉइसरॉय है, और मार्ले की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर राज्य सचिव है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनके नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, और इसका उद्देश्य है पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहाँ पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र है जो कि दे दिया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा कि 1919 में इसको पारित किया गया था, और इसी को हम भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल जो है स्वीकार कब किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में किया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी मार्ले मिंटो सुधार से ही है, क्वेश्चन देखो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ही है, और इसमें हम लोगों ने अभी देखा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली है जो कि व्यवस्था की गई थी, और इसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी यहाँ पर किसको कहा जाता है, तो ये मिंटो है, मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है मिंटो को। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न और आप लोगों के सामने है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। अब आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आता है, तो ये आता है 1919 में, 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करेंगे इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय जो चेम्सफोर्ड है वो तो भारत के वायसराय हैं और मॉन्टेग्यू है जो कि राज्य सचिव हैं, तो इनके नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है जो कि भारत में लाया गया था, और इस सुधार में क्या बात कही गई थी इसी को आपको बताना है। 13वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन है जो कि यहाँ पर लागू किया गया था इस अधिनियम के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था। आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो 1946 में ये भारत में आता है और इसमें 3 सदस्य थे। पहले का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, पथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 इसमें क्या थे, सदस्य थे। लेकिन अगर हम लॉर्ड एमरी की बात करेंगे तो ये इसके सदस्य नहीं होंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। अब देखो यहाँ पर पहला बोल रहा है कि प्रांतीय समूहीकरण, तो ये बात बिल्कुल सही है, उस समय प्रांतीय समूहीकरण की बात इस योजना में कही गई थी। और दूसरा, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की यहाँ पर गठित किया जाएगा, ये बात भी इसमें कही गई थी। और संविधान निर्माण का अधिकार भी भारतीयों को दिया जाएगा, ये बात भी कैबिनेट मिशन 1946 में दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्वीकृति की बात, तो ये बात है जो कि कैबिनेट मिशन में स्वीकृत नहीं हुई थी। ये बात स्वीकृत हुई थी बाद में जब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में, उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति की मांग पूरी की गई थी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1935 में एक अधिनियम आया था जिसको हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार 1935 के अधिनियम के तहत यहाँ पर जो है शासन चलाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि जो भारत का संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किस अधिनियम ने किया है, यानी कि हमने भारत के संविधान में विदेशों से स्रोत ले रखे हैं। विदेशी स्रोत हम पढ़ते हैं, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, ये सभी की हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा स्रोत की बात करेंगे किस अधिनियम से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर स्रोत लिया गया है और इसी ने भारतीय संविधान को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित किया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोगों के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेन और पेपर लेके साथ में बैठ सकते हैं और इनको आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और शेयर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1946 में है जो कि यहाँ पर आती है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसको डिकी वर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो ये माउंटबेटन है उस समय वायसराय थे, इनको इनके दोस्त जो है डिकी वर्ड के नाम से पुकारते थे, तो इसलिए इस योजना को डिकी वर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि डिकी नाम किसका है, डिकी उपनाम से किस वायसराय को जाना जाता है। तो अगला प्रश्न अब हम चलेंगे। अगला प्रश्न देखो, कौन सुमेल नहीं है, आप लोगों से पूछना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है और मैच आप लोगों को कराना है मैच। तो अगर हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार अभी हम लोगों ने देखा, तो उसमें हम लोगों ने ये भी बात की थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर बात की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। और कैबिनेट मिशन में भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसी बात इस मिशन में कही गई थी। अगर हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो ठीक है। दोस्तों साइमन कमीशन से एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928,
ये भारत में पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साइमन कमीशन से कि साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त किस भारतीय क्रांतिकारी नेता की यहाँ पर लाठियों से मृत्यु हो गई थी, तो उनका नाम होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जी हैं जिनको साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ब्रिटिश सेना के द्वारा यहाँ पर चोटिल करके इनकी हत्या हो चुकी थी, और ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया है, तो 19वें का ऑप्शन हो जाएगा सी 1945। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 20वां प्रश्न है, 20 क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 19 क्वेश्चन यहां पर पूरे कर चुके हैं। प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो अगर हम अखिल भारतीय महासंघ की बात करेंगे तो ये दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें इस बात को कही गई थी कि इस अधिनियम के तहत भारत में एक अखिल भारतीय महासभा की स्थापना की जाएगी, जो कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर होना था इसका निर्माण। लेकिन दोस्तों इसमें जो देसी रियासतें हैं उन्होंने भाग नहीं लिया, इसलिए जो ये अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा ही रह चुका था। क्यों? क्योंकि जो देसी रियासत है वो इसमें शामिल नहीं हुई थी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो केंद्र में अगर हम द्वैत शासन प्रणाली की बात करेंगे तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप लोगों को ये क्लास है जो कि समझ में आ रही होगी और पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा किया गया। अगर हम संघीय प्रणाली की बात करेंगे दोस्तों तो ये बात भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहां पर की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी, और ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत में जो ये सचिव पद है ये किसके द्वारा नियुक्त निर्मित किया गया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 का आता है, लॉर्ड कैनिंग उस समय थे अभी हम लोगों ने देखा, और इस अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का वायसराय का नाम दिया गया, और उस वायसराय के लिए कुछ सलाहकार बॉडी यहाँ पर स्थापित की गई जिनमें से एक था भारत के सचिव का पद। तो भारत के सचिव का पद आप लोगों को ध्यान में रखना है 1858। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को की मंजूरी दी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 का, जिसको हम मार्दे मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी हम लोगों ने अभी देख ली है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और इस प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई, जो संघ है जो हम लोगों ने अभी केंद्र की बात की थी उसकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसको सौंपी गई थी, तो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको सारी अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर सौंपी गई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 26वें का। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर, और 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये प्रश्न हम लोगों ने अभी कर लिया है, तो इस प्रश्न को आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। अगला प्रश्न देखो, बहुत बार आप लोगों से इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और मिलान है जो कि सूची 1 का सूची 2 से करने के लिए आप लोगों को दिया जाता है, तो यहां पर अब हम इसको डिस्कस करते हैं।
देखो दोस्तों, अगर हम सूची वन की बात करेंगे, सूची टू की भी बात करेंगे, और हमको यहाँ पर ये बताना है कि सूची वन में सूची टू से कौन सा मिलान है जो कि सही बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर कूट दे रखे हैं ए बी सी डी के, उनको हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। अगर आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त संकल्प से, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये शब्द अलग अलग हैं और इनका संबंध भी अलग अलग लोगों से है। और ये जो शब्द हैं अलग अलग, ये अलग अलग समय में आए हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अगस्त घोषणा की, तो अगस्त घोषणा दोस्तों, अगर इसका जो राइट आंसर होगा अगस्त घोषणा की, वो होगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अभी हम लोगों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखा था ना, तो उसमें जो ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू है वो भारत के सचिव हैं, भारत के सचिव हैं। और इन्होंने 1917 में, कब दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अगस्त घोषणा की, तो अगस्त घोषणा आप लोग लिखना 1947 में, 20 अगस्त 1917 को लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा यहाँ पर की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर अगर हम आंसर करेंगे, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो। अभी हम लोगों ने देखा 8 अगस्त 1940, ये कब है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगस्त प्रस्ताव की। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगस्त संकल्प की, तो दोस्तों जो सी है उसका हो जाएगा चौथा महात्मा गांधी। और ये जो अगस्त संकल्प है ना, हम इसको भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा एक चलाया गया आंदोलन था, जो कि 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त आप लोगों से पूछा जाता है 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर जारी किया गया था, शुरू किया गया था 8 अगस्त को, तो इसी के को हम यहाँ पर अगस्त संकल्प के रूप में भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला पर कह रहा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना से, ठीक है। 16 अगस्त, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। और इसमें जो पाकिस्तान की मांग है उसको यहाँ पर जोरों में लाया गया इसके द्वारा। तो दोस्तों ये बात है जो कि आप लोगों को इस प्रश्न से ध्यान में रखनी है। और आप लोग देख रहे हैं कि हर कोई घटना है जो कि अगस्त में हुई है, जिस कारण इसको अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, अगस्त के नाम से जाना जाता है हर एक घटना को। अगर हम इसके अगर हम सही कूट की बात करेंगे दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो हम लोगों ने ये डिटेल में देख लिया है, आप लोग इसको आंसर करेंगे ऑप्शन ए। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 29वां प्रश्न, और इस प्रश्न को आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और इसमें भी आप लोगों को कूट के रूप में इस को सुमेलित करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों इतनी ही हम बात करेंगे, जो कि हमने भारत का संवैधानिक इतिहास है जो कि देखा क्वेश्चन के फॉर्म पर, और आप लोगों से यहाँ से प्रश्न बन जाते किसी भी एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच।